मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझ पे एतबार किया। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था? क्या मतलब, तुम्हें मेरी सच्चाई पे भरोसा नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आपकी मम्मी चाहती हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर दूं। What? मेरे दराज में अभी भी उनकी दवाइयां रखी हुई हैं। मैं बहुत डर गई हूँ फरकान। और देखिए, मैं इस दुनिया में हर शख्स को खो देने का हौसला रखती हूँ, लेकिन अगर बात मेरी औलाद पर आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि अगर आप मेरी और अपनी होने वाली औलाद की सलामती चाहते हैं तो मुझे अलग घर लेकर दें। मैं अब आपकी साजिशी मां के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम जानती हो अगर हम इस घर से चले गए तो क्या होगा? जानते हैं कि अगर हम इस घर में रहते रहे तो क्या होगा? ये मेरी बात का जवाब तो नहीं हुआ। सवाल आपके जवाब का नहीं, बल्कि मेरी होने वाली औलाद की सलामती का। तुम जानती हो लुबना, अगर हम इस घर से चले गए तो सामे भाभी के साथ क्या होगा? कौन उन्हें उनका हक दिलाएगा? भाई और मम्मी, फरी और उसकी मम्मी से शादी की बातें कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? भाभी सारी जिंदगी ये दाग लेके बैठे कि उनका देवर के साथ चक्कर चल रहा था, लोग उन पे उंगलियां उठाए, बातें कसे। तुम ये चाहती हो? तुमने ये मत भूलो कि कल को हमारी बेटी भी होगी, और जब वो पड़ी होगी तो उससे सवाल नहीं करेंगे लोग। और लुबना, एक बात हमेशा याद रखना, औरत पे लगा हुआ दाग सारी जिंदगी रह जाता है और उसके असरात अगली नस्ल तक जाते हैं। तो अपने साथ अपनी औलाद का भी सोचो। और लुबना, मैं तुमसे वादा करता हूं, हमारे बच्चों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं।